नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल बात करते हैं उस वक्त वीडियो का जो क्वालिटी होता है इतना घटिया आता है, इतना कम क्वालिटी आता है कि वीडियो कॉल ना बतिया तो ही अच्छा है, उससे अच्छा ऑडियो कॉल हम लोग बात कर ले। लेकिन 4 से 5 सेटिंग करके आज हम आपके फोन में बताने वाले हैं, जिससे आप अपने फोन में वो सेटिंग कर लेते हो तो आपका वीडियो क्वालिटी HD क्वालिटी में होगा, जिससे आपको वीडियो कॉल बात करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको कैमरा पर देखना है कि कैमरा पर कहीं धूल मिट्टी गर्दा माटी तो नहीं लगा हुआ है, जिससे कैमरा सही से चेहरा को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। यहाँ कैमरा को आपको क्लीन कर देना है, कपड़ा से क्लीन कीजिए, यहाँ पे थोड़ा इस तरह क्लीन कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। दूसरे में हम आपको बता दें कि यहाँ रिसेंटली में बहुत ऐप से सब चालू रहता है। अभी हम रिसेंटली में ऐप से चालू करके यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो रिसेंटली में ऐप चालू है। यहाँ पर 10, 12, 20, 25 जितना ऐप्स रहता है हम लोग बंद नहीं करते हैं, इसी तरह चालू होकर छोड़ देते हैं, जिससे आपके नेटवर्क पर जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण आपका वीडियो की क्वालिटी सही से नहीं आ पाती है, नेटवर्क हमेशा उसी में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जितना ऐप्स आप चालू रखे होंगे सभी को यहाँ से क्लोज ऑन कर दीजिएगा। तो रिसेंटली में सभी ऐप्स क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना होगा। यहाँ पे देखिएगा कि आपको डाटा सेवर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो डाटा सेवर को आप बंद कर दीजिएगा। बहुत मोबाइल में ये डाटा सेवर दिया हुआ रहता है। दूसरे में यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी सेवर का, जो सेटिंग में जाकर हम लोग बैटरी सेवर को ऑन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बैटरी पर हम क्लिक किए और यहाँ से बैटरी सेवर को हमने ऑन कर दिए। जैसे यहाँ से बैटरी सेवर को हम लोग ऑन कर देते हैं, जिससे भी नेट की स्पीड स्लो हो जाता है और ठीक से हम किसी से वीडियो कॉल नहीं बतिया पाते हैं। इस तरह डाटा बैटरी सेवर को आप ऑफ करके रखिएगा। उसके बाद अब आपको हम व्हाट्सएप में सेटिंग करके बताएंगे। यहाँ से व्हाट्सएप को हम ऑन करेंगे, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग को ऑन कीजिएगा उसके बाद स्क्रॉल डाउन आपको करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड डाटा का, तो स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क यूजेज, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर यूज लेस डाटा फॉर कॉल। अगर ये आपके फ़ोन में अगर ऑन होगा तो इसको ऑफ जरूर कर लीजिएगा। इसको ऑफ कर लीजिएगा तो आपकी नेटवर्क की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आप सही से वीडियो कॉल बात कर सकते हो। उसके बाद इतना सेटिंग करने के बाद आप व्हाट्सएप से बाहर आइएगा और उसके बाद अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, तो यहाँ से व्हाट्सएप पर यहाँ पे व्हाट्सएप लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे व्हाट्सएप लिखकर सर्च कीजिएगा आपका व्हाट्सएप यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ से आपका व्हाट्सएप अगर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ से अपडेट आप कर लीजिएगा। अभी नेट स्पीड स्लो है इसलिए नहीं शो हो रहा है। इस तरह आप अपडेट कर लीजिएगा, नया वर्जन आपके फ़ोन में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो कॉल कीजिएगा तो आपका वीडियो कॉल HD कॉल में बात होगा। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आपके एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, या जहां पे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं वहां पर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो कॉल करने के लिए दोनों तरफ नेटवर्क अच्छी होना चाहिए, तभी आप सही से वीडियो कॉल कर पाइएगा। नहीं तो एक तरफ नेटवर्क सही है और दूसरे तरफ नेटवर्क सही नहीं है, उस वक्त में भी आप वीडियो कॉल सही से बात नहीं कर पाइएगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा, ये सब सेटिंग करते हुए भी आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो कर पाइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।